welcome to Coffee with the CEO. Today we have a very prestigious Chief Executive Officer, Mr. Atif Iqbal, who is the CEO of HiQ Pharmaceutical. Hello, sir. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Kya hal hai aapke? I'm good. सर आप मुझे बताइए कि फार्मास्यूटिकल कंपनी HiQ इज़ अ वेरी बिग नेम व्हेन इट कम्स टू फार्मा कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह. सो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की जो जिसके अंदर पेनिट्रेट करना थोड़ा मुश्किल है, जिसके अंदर अगर आप पेनिट्रेट कर भी जाते हैं तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है काफ़ी हद तक. तो कुछ आप मुझसे अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करें, बिकॉज यू गाइज हैव बीन डूइंग एक्सेप्शनल वर्क सिंस अ लॉट ऑफ ईयर्स नाउ. तो किस तरीके से आप लोगों ने सस्टेन किया, स्केलेबिलिटी की क्या स्ट्रैटेजीज आपने यूज़ की जिसने आपको बेनिफिट किया सर्वाइवल से निकल के फिर प्रॉफिट बिल्डिंग की तरफ? बहुत शुक्रिया मानू, आपने मुझे इधर बुलाया और मैं सीईओ क्लब का भी थैंक यू करूँगा. और आई थिंक जो आपका सवाल है वो हर एक के लिए सेम ही चीज़ होती है. हर बिजनेस के अंदर मुश्किल आती हैं और जितने भी चैलेंजेज होते हैं वही एक अपॉर्चुनिटी होती है. तो जितनी बेहतर तरीके से आप उन मसलों को हल करते हैं तो आप उतनी ही कामयाबी हासिल करते हैं. और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सच ए इंडस्ट्री के एक नोबल इंडस्ट्री भी है कि इसमें जिस वक्त पेशेंट आपके सही होते हैं उस दवाई से और वो सेहतियाब होकर अपने फैमिली के साथ मिलते हैं वापस, तो वो खुद लोग दुआएं भी देते हैं साथ. तो बिजनेस के साथ साथ दुआएं भी कमाने का एक अच्छा जरिया है नज़र आता है. जी हाँ, और इसीलिए हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि हम बेस्ट पॉसिबल जितनी अच्छी हो सकती है क्वालिटी उसमें बेस्ट क्वालिटी हम प्रोवाइड करें पेशेंट को, ताकि हमारा पेशेंट जल्द से जल्द सही हो सके. और जब वो सही हो जाता है और एक मेयारी एक अच्छी अमाउंट में, मतलब एक लोकल कंपनी बनाकर हमने यही कोशिश की है कि जो मल्टी नेशनल के इम्पोर्टेड चीज़ें होती हैं या जो बाहर से जो इम्पोर्ट करने में एक्सपेंसेस आ रही होती हैं उनको किसी तरह कम किया जाए कि यहाँ पर हम बनाते हैं तो वो उससे कम प्राइस होती है और लोगों को बेनिफिट भी मिलता है. सर सेकेंड मेरा सवाल आपसे ये है कि बिकॉज यू आर एट अ लीडरशिप पोजिशन, क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आप अपनी फ्यूचर जनरेशन के लीडर्स के अंदर देखना चाहेंगे या होनी चाहिए स्किल्स टू बिकम अ वेरी गुड लीडर, या इवन इस पोजीशन तक आने के लिए या उसको आगे लीड करने के लिए आप अपनी सक्सेसर्स के अंदर क्या देखना चाहेंगे? आई थिंक टाइम के साथ साथ लोगों को देखना चाहिए कि फ्यूचर किस चीज़ का है और फ्यूचर के ऊपर नज़र रखते हुए विजन रखते हुए फिर उस हिसाब से अपनी नई स्ट्रेटजीज बनाएं और कंटिन्यू उसमें इम्प्रूवमेंट लाएँ. अपनी जितनी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर आप क्वालिटी पे इम्प्रूवमेंट लाएंगे उतना ही आप आगे बढ़ सकते हैं. तो हर चीज़ के अंदर आप तो सबसे पहले इवन स्टाफ में, इवन आपकी प्रोडक्ट्स में, एवरीथिंग नीड्स बेटर क्वालिटी एवरी टाइम. जो चीज़ लेटेस्ट आ रही है उस चीज़ लेटेस्ट को आप अपनाएं. आपको मशीनरी चाहिए, आप लेटेस्ट मशीनरी लें. जो नई दुनिया में आसानियाँ आ रही हैं, मशीनें आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज का ज़माना चल रहा है, यू हैव टू सी द ट्रेंड्स कि अभी आगे फ्यूचर किस चीज़ का आ रहा है. तो आपको मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छे मेयारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें. सर अभी एक ट्रेंड बाहर अब्रॉड में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि वो आपकी जीन्स के ऊपर जो मेडिकेशन काम करती हैं उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो रही है. बट अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द आर्टिकल्स दैट आई रिसेंटली रेड, उनके मुताबिक ये था कि हम लोग उस चीज़ को, क्योंकि हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, इतने पैसा नहीं है या इतनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की चीज़ें नहीं है कि हम उस चीज़ पे काम कर सकें. सो आप मुझे बताएं कि उस तक जाने के लिए हमें क्या करना होगा, किस तरीके से हम पाकिस्तान को स्टेज तक लेकर आएं कि ये काम आगे इवॉल्व हो सके. सस्टेनेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल वर्ल्ड वाइड ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है. इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप किस तरीके से अगले फ्यूचर को भी अपना मुस्तहकम करें. तो जो अच्छी कंपनीज हैं जितनी लाइक आवर कंपनी HiQ Pharmaceutical इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग फॉर दिस एज वेल. और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से नई चीज़ अपने स्टेम सेल्स की भी उसमें जिक्र आया है, नई चीज़ें जो आ रही हैं, इनोवेशन आ रही हैं उनके ऊपर, जी हाँ इनोवेटिव चीज़ें उसके ऊपर किस तरीके से वर्किंग करनी है वो पहले से. और हम चाहते हैं कि जो हमारे लीडर्स हैं, जो कमिंग अपकमिंग लीडर्स हैं, बिकॉज आई वॉज बॉर्न एज अ लीडर, मेरे फादर की स्टार्ट हुई कंपनी है तो मुझे तो एक विरासत में मिल गई. और आगे जो जनरेशन आ रही है उनको हम लोग एजुकेशन अच्छी देना चाहते हैं. मेरे बच्चे जो हैं वो फार्मेसी कर रहे हैं और वो भी आगे इसी को लेके चलेंगे. तो एक अच्छा लीडर वही होता है, सीईओ वही होता है जो चीज़ों को लोगों से काम करवा कर अच्छी तरीके से कराए, उनको अपने साथ लेके चले, उनके मशवरों को सुने. और इसमें लेटेस्ट लोग जो जितने आपकी यंग जनरेशन है
वो बहुत हेल्पफुल है, बहुत सपोर्टिव है, बहुत क्रिएटिव है, और जितनी क्रिएशन उनके अंदर आई थिंक और पाकिस्तान में कहीं आपको मिलेगी नहीं, तो वो आपको सारे आइडियाज वहाँ से मिल रहे होते हैं। आप उनकी बात सुने, उनको भी देखें, उनको समझें कि वो क्या समझ रहे हैं, और साथ साथ दुनिया को देखें। दुनिया और आप अगर इकट्ठे मिल के ये चीज़ें देख कर चलेंगे तो डेफिनेटली हम आगे निकल जाएंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर एंड जॉइनिंग अस।